नमस्कार, हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अजीत, और वक्त हो गया है मेरा राज्य मेरा देश की। इस बात सबसे पहले कुछ अहम खबरों की करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के पॉलिटिकल पंगे की। कभी कांग्रेस के कैप्टन रहे अमरिंदर, अब अपनी नई टीम बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कैप्टन के 26 यार कांग्रेस छोड़कर उनकी पार्टी में आ गए तो चन्नी सरकार चंद दिनों की मेहमान रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर को मोह भंग हो चुका है और कांग्रेस भी कैप्टन को मानो भुला चुकी है। आज हरीश रावत ने कैप्टन को ही निशाना बनाया, यानी कि अब पंजाब में कांग्रेस के सामने विपक्षी दलों की ही नहीं कैप्टन की भी चुनौती होगी। पर पंजाब की सियासत के पेच उलझे हुए हैं कि कांग्रेस किसे किसे सुलझाएगी। दूसरी तरफ सिद्धू भी नाराज बैठे हैं और चन्नी भी सरकार बचाने के लिए बार बार दिल्ली की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। कभी कांग्रेस हाईकमान के घर तो कभी पीएम मोदी से मिल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन बात अब दूसरी खबर की। दूसरी खबर उन आंदोलन जीवियों से जुड़ी है जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर गुंडों की तरह कब्जा कर लेते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को, यानी कि आपको और हमें। लेकिन टिकैत गैंग का टाइम अब जल्दी ओवर होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह सड़क को बंधक बनाने वालों की तरफ आंखें तरेर ली हैं। बात अब तीसरी खबर की भी करते हैं, गोरखपुर की। सीएम सिटी गोरखपुर की, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर। वहां 72 घंटे के अंदर एक और मनीष मारा गया। पहले खाकी कटघरे में थी, अब खाकी का दावा कटघरे में है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या गोरखपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। और आज की चौथी बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर महंत परमहंस से जुड़ी हुई है, जिनकी मांग है कि अगर केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर को देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वे रामनगरी अयोध्या की सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। सब हैरान है कि आखिर महंत को अचानक हुआ क्या है, वे हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे और जल समाधि पर उतार हो गए। इन सभी बड़ी खबरों की इनसाइड डिटेल आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, पहले वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाएंगे नई पार्टी। दरअसल पंजाब विकास पार्टी हो सकता है नाम। कैप्टन ने करीबी नेताओं के साथ बैठक की है और यह कहा जा रहा है कि इस बैठक में तमाम लोगों की जो राय होगी उसको सुनेंगे कैप्टन और पंजाब विकास पार्टी बना सकते हैं। उधर कांग्रेस के सामने अब आम आदमी पार्टी बीजेपी अकाली दल की ही चुनौती नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 117 में से 77 सीटें जीतने वाले कैप्टन अमरिंदर से भी कांग्रेस को अब दो दो हाथ करने होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पंजाब की सियासत में कैप्टन की कितनी अच्छी पकड़ है। यूं ही उन्हें पंजाब का कैप्टन नहीं कहा जाता। अब इनसाइड स्टोरी यह भी कि कैप्टन जल्दी अपनी पार्टी बनाने वाले हैं और उनका साथ देंगे उनके 26 यार। देखिए ये रिपोर्ट। कैप्टन के खेल में फंस गई कांग्रेस। कैप्टन के 26 यार का चक्रव्यूह तैयार। कांग्रेस के खिलाफ मैदान में कैप्टन की नई टीम। एक झटके में कांग्रेस पंजाब में अर्श से फर्श पर नजर आने लगी। जिस कैप्टन ने पंजाब में कांग्रेस को जिंदा ही नहीं स्वस्थ भी रखा, उसी कांग्रेस ने कैप्टन को किनारे लगा दिया। अब नवजोत सिंह सिद्धू की बगावत के बाद हालात ये हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं, कांग्रेस आलाकमान के लिए समझ से परे है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस से अपमान का बदला लेने का पूरा मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर नई पार्टी बना सकते हैं। कांग्रेस के करीब 26 विधायक कैप्टन के संपर्क में हैं, जो जल्द ही कैप्टन की पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस में इस बात को लेकर हड़कंप मचा है और लाजमी भी है। अगर ये 26 विधायक कैप्टन के पक्के यार निकले तो पंजाब में कांग्रेस सरकार के लिए संकट खड़ा हो जाएगा और कहीं हालात इतने न बिगड़ जाएं कि मजबूरी में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ जाए। क्योंकि विधानसभा में अगर फ्लोर टेस्ट की बात आई तो पंजाब के नए सीएम चन्नी के लिए सरकार बचाना नामुमकिन होगा। ये तो हम स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान के मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे, नॉट माय जॉब। वही कांग्रेस भी कैप्टन अमरिंदर को मानो भुला चुकी है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन को आड़े हाथों लिया।
कहा कि कैप्टन का कांग्रेस ने बहुत सम्मान किया, लेकिन वो अब विरोधियों का मुखौटा बने हुए हैं। पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरेंद्र सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। सिद्धू पर कांग्रेस का अंधविश्वास है, पर शायद उन्होंने सिद्धू के इतिहास पर गौर नहीं किया। सिद्धू का कैप्टन से पंगा ऐतिहासिक है, फिर चाहे मोहम्मद अजहरुद्दीन हो या फिर कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू की किसी कप्तान से नहीं बनी। और तो और, वो अब कांग्रेस से भी बगावत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि उन्हें सिद्धू में कोई खामी नजर नहीं आती। कांग्रेस के आला कमान अब भी सिद्धू के मान मनवल में लगे हैं। वही पंजाब के नए सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच मुलाकात के बावजूद दोनों के बीच समझौते की कोई खबर नहीं आई। सिद्धू के पक्ष के एक मंत्री और तीन पार्टी पदाधिकारी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे कांग्रेस के सामने पंजाब में मुसीबतों का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। और अब खबर ये भी है कि कैप्टन पंजाब चुनाव से ठीक पहले अपनी नई पार्टी लेकर आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के 26 विधायकों के शामिल होने की संभावना है। अगर ये बात सच हुई तो पंजाब से कांग्रेस की सरकार तो जाएगी, साथ ही आगामी विधानसभा में सरकार बनाने के सपने देखना भी बेईमानी लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि यह महज औपचारिकता थी। मीटिंग के दौरान तीन अहम मांगे सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री के सामने रखी, और कौन कौन सी वो मांगे हैं, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक कर्सी कॉल थी, जो एक औपचारिकता भी है कि मुख्यमंत्री का अहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले। तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। फर्स्ट मीटिंग थी, कोई एजेंडा नहीं था, एक मिलने का ही एजेंडा था। 60 मिनट की मुलाकात और तीन अहम बात। पीएम मोदी से पंजाब के सीएम चन्नी की ये मुलाकात भले ही औपचारिक हो, एजेंडा विहीन हो, लेकिन बातें अहम हुई। बात किसानों की, उनके फसलों की और करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की हुई। चन्नी ने पीएम मोदी के सामने तीन मांगे रखी। पंजाब की इकोनॉमी खेती पे संबंधित है, खेती से चलती है। पंजाब तभी प्रोग्रेस करेगा अगर हमारा किसान और खेत मजदूर खुशहाल होगा, घर में दाने आएंगे, पैसा आएगा, तभी सब प्यार से और खुशहाली से रहेंगे। मैंने उनको कहा है कि जो ये तीन बिल का झगड़ा है, इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए, ताकि श्रद्धालु हैं जो, वो श्रद्धा से वहां जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सके। कृषि कानून पर पिछले 10 महीनों से कोहराम मचा है, किसान अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं को सील करके रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को लताड़ा है, किसानों के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों से सवाल पूछा है कि अगर अधिकार आपके पास है तो वही अधिकार बाकियों के पास भी है, आप दिल्ली को बंधक नहीं बना सकते। ऐसे में सवाल अब मौजूद हो जाता है कि जो समस्या पिछले 10 महीनों से यथावत है, उसका हल क्या सीएम चन्नी और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद हो जाएगा? क्योंकि दोनों नेताओं के बीच बात भले ही तीन मुद्दों पर हुई हो, लेकिन इस कटसी भेंट के केंद्र में किसान और कृषि कानून ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने उन आंदोलनजीवियों को आड़े हाथों लिया जिन्होंने राजधानी को एक अरसे से बंधक बना रखा है, जो जब चाहे दिल्ली को दहला देते हैं, जब उनका मन होता है देश की सड़कों को जाम कर देते हैं, और जब दिल में आता है पटरियों को रोक देते हैं। देखिए एक और रिपोर्ट।
अयाशी का अड्डा बंद करो। आंदोलन जीवियों कब्जा हटाओ। टिकैत के लठैत अब रास्ता छोड़ो। नहीं तो पड़ेगा सुप्रीम हथौड़ा। देश का दिल यानी राजधानी 10 महीने से बंधक है, लेकिन आंदोलन जीवियों की ये मनमर्जी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देश की सड़कों, रेल की पटरियों को जाम करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सियासी एजेंडा चला रहे आंदोलनकारियों से कोर्ट ने तीखे और कड़े सवाल पूछे हैं। कई महीने से आपने पूरे शहर को बंधक बना रखा है, क्या आप शहर में घुसकर प्रदर्शन करना चाहते हैं? आप ट्रेन, राष्ट्रीय राजमार्गों को बाधित कर रहे हैं। क्या शहर के लोग अब अपना कारोबार बंद कर दें? अगर आपके पास अधिकार है तो लोगों के पास भी अधिकार है। दरअसल किसान महापंचायत ने जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर शीर्ष कोर्ट की पीठ ने लताड़ लगाई और कहा कि आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हाईवे ब्लॉक कर लोगों को परेशान करने का नहीं। सड़कें जाम करने की बजाय आपको कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। कोर्ट ने अयाशजीवी गैंग को लताड़ लगाई तो खुद को किसान बताने वाले राकेश टिकैत बहाने बनाने लगे और कहने लगी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं, हमारा जंतर मंतर में कोई कार्यक्रम नहीं है। पता नहीं कोई गया होगा, कोई चला गया होगा, हम नहीं गए। ना हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही, अगर आगे के वे बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी, वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है। हाँ हमें भी हो रही परेशानी, सड़क तो चलने के लिए आओ, वो रोक देंगे तो हम अपना दिल्ली चले जाएंगे आगे। नहीं नहीं हमने नहीं परमिशन मांगी, वो कुछ सरकार के कुछ लोग हो गए, उन्हें एप्लीकेशन लगाई होगी, हमने नहीं मांगी परमिशन। ये मांगा किसने भाई? हम लोगों ने तो किसी ने मांगा नहीं। कौन गया, किस नाम से गया, हमसे क्यों जोड़ा जा रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ पर हैं, जंतर मंतर पे परमिशन कोई मतलब नहीं। जब हमें जंतर मंतर पे परमिशन चाहिए थी, जब सरकार ने दी थी और हमने 13 दिन संसद ऐतिहासिक शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से चला के दिखाई थी, हमारा जंतर मंतर में कोई कार्यक्रम नहीं है। कृषि आंदोलन के विरोध की आड़ में अब तक टिकैत गैंग दिल्ली को दहला चुका है, देश का पहिया जाम कर चुका है, लेकिन सवाल उठता है आखिर कब तक आम आदमी आंदोलन जीवियों के जाल में फंसकर अंजाम भुगतेगा? क्यों सियासी लड़ाई में आम आदमी पिसे? इसी का नतीजा है कि अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी आंदोलन जीवियों के खिलाफ आंखें तरेर ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा में एक बार फिर से किसानों ने सड़कें जाम की, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और सीएम खट्टर के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का घेराव किया। इजाजत तो महज 15 किसानों को प्रदर्शन करने की मिली थी, लेकिन देखते देखते वहां पर सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए और फिर कर जमकर बवाल हुआ। देखिए रिपोर्ट। झज्जर में किसानों का कोहराम, पुलिस किसानों के बीच झड़प, डिप्टी सीएम को दिखाए काले झंडे, झज्जर के नेहरू कॉलेज के बाहर किसानों ने जमकर हंगामा किया। स्वयं सहायता समूह को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने आए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने दुष्यंत को काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और थोड़ी देर में ही किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछारें छोड़कर उन्हें खदेड़ दिया। कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, इनमें महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। इन किसानों को रोडवेज बसों में बैठा कर ले जाया गया।
सरकार कहीं ना कहीं किसानों को फिर गुमराह करेगा, प्रशासन को किसानों को टकराव का काम करना चाहिए। हम शांति अपना विरोध जताएंगे, काले झंडे दिखा के। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने 15 किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दे दी थी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल भी रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए इनकी तरफ से नुमाइंदे आए। कितने लोगों को यहां बुलाया गया? टोटल 15 लोगों को एक सहमति बनी थी, इसके तहत बाकी लोग जो भीड़ है उसको बैरिकेड के पीछे रखा। लेकिन देखते ही देखते बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन करने पहुँच गए और फिर उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में पिछले 10 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद को किसान नेता बताने वाले टिकैत लगातार किसानों को भड़का रहे हैं, जिस पर सुप्रीम हथौड़ा भी चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरा राज्य मेरा देश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।